देख लो, मैंने तो याद नहीं। ऐसे है, ये है बादशाही मस्जिद जहाँ पर हम इंटर होने वाले हैं। माशाल्लाह ये है जो कि मुझे मतलब फील अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। बाइक वगैरह रेडी कर लिए, अभी हम निकलने लगे हैं सुजू वाटर पार्क की तरफ, जो कि पाकिस्तान का कहते हैं कि सबसे बड़ा वाटर पार्क है। तो वहाँ पर चलते हैं, सुजू कहते हैं और हम कोई 3-4 दिन से कह रहे हैं सुसु वाटर पार्क, तो हम जानने लगे हैं सुसु वाटर पार्क। बाइक वगैरह रेडी है, कैमरा वगैरह भी दोबारा से फिट किया है, तो हमारे मेरे साथ है बिलाल और आगे से हमने ज्वाइन करना है मीनार पाकिस्तान से शफीक, जो कि मेरा क्लास फेलो था तकरीबन 6th क्लास तक, और वो यहाँ पर आ गया था लाहौर। तो आज हम उनके साथ मुलाकात भी करेंगे और उनके साथ ही जो भी इन्जॉयमेंट घूमना फिरना होगा उनके साथ ही होगा। तो चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें, तभी निकलते हैं। कावासाकी निंजा H23457R निकाल लिए, तो हमें रिवर्स में भी चलानी आती है। वेरी डेंजरस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإنا إلى ربنا لا منقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. بتا دینا میں بار بار تجھے روکوں گا میں ایک منٹ یار یہ سمجھ گیا نا مین گیٹ تک پہنچ گئے हमने हैंडल ऊपर किया है बाइक का, तो इस वजह से यहाँ पर लोकेशन सेट नहीं हो रही, नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन से, तो हमें दोबारा से एडजस्ट करना पड़ना था। लेफ्ट कर ले, लेफ्ट सीधा है, लेफ्ट लेफ्ट, हाँ यहाँ से यू टर्न ले रहा है। यहाँ से यू टर्न लेकर हम सीधा पहुँच जाएंगे अपने वो उसका टायर देख क्या टायर देख उसका क्या फुल टायर रास्ता बता अरे यार खोल ले दोबारा से, अभी तो मुड़ना है बस, पहुंच गए मीनार पाकिस्तान, हम पहुंच गए बादशाही मस्जिद भी उसके सामने ही है, वहां पर भी जाना है। मतलब ये आपने मुड़ना आगे से यू टर्न लेना, इधर से नहीं लेंगे आगे से, इधर से कूट भी खाएंगे, मजा आ गया देखकर। ये बंक मार के घूम रहे हैं मीनार पाकिस्तान, एरिना पार्किंग की नंबर जी नंबर देख लो, मैंने तो याद नहीं, तेरे पास खुले पड़े हुए हैं अभी। कहाँ पर खड़ी करें, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। वीडियो बना रहे हैं ताकि बाद में आगे पीछे हो तो दिखा दे सकेंगे, हेलमेट रख कर गए। बाइक का नंबर, चलें अभी चलते हैं, माइल पकड़ ले। अस्सलामुअलैकुम, आज इधर चमक आते हैं, हेलमेट बचाने के भी 50 रुपये का, आप 7,000 रुपये का जी, ये तो बात है भैया, चेक कर कैमरा अंदर लाओ, नहीं है कैमरा वाली मोबाइल वाली नहीं है, तो कैमरा ही है ना, वीडियो वही मोबाइल वाली है सिस्टम, वो नहीं है, दूसरा कैमरा नहीं है, नॉर्मल है।
अलहमदिल्ला इंटर हो गए। मेरा ये फिट नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अंदर आया थोड़ा सा बड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी ऊंचाई है। एंटर हो गए और नहीं नहीं अच्छा एंट्री फीस नहीं है अंदर। हम तो ऐसे ही घुस गए, हमें पता ही नहीं है। अभी जैसे कि मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा होगा, नहीं यार बड़ा है। हम मेरे ख्याल में हमें दूर से नहीं लग रहा था। अभी अंदर आया तो हाइट पता लग रही है कि अच्छी खासी है। तेरे जैसे तीन चार आ जाएंगे। स्कूल की ट्रिप भी लगी हुई है गाइस। स्कूल ऐसे है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। यहाँ पर फवारे होते थे जिसमें हम नहा रहे होते थे। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इस तरफ से घूम कर होते हुए शाही मस्जिद में जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का स्विमिंग पूल और यहाँ दरिया ही कह सकते हैं खड़ा हुआ है। उसी पहले ही मेरे शूज गंदे हैं, धोए नहीं है मैंने। और सामने जो है वो आपको बोट्स वगैरह भी आप राइड कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग वाला पानी तो नहीं है वैसे। तो पहुँच चुके हैं करीब हम यहाँ से, काफ़ी प्यारी। यहाँ पर मैं आना चाहता था काफ़ी टाइम से। मीनार पाकिस्तान का मुझे नहीं दिल किया था कभी भी जहन में, बट इस जगह पर मैं लाजमी आना चाहता था क्योंकि ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके लिए मैं दोबारा से वापस आया हूँ ताकि आपको एक बार दोबारा से रिव्यू करवा सकूँ कि यहाँ पर पैदल चल रहे हैं और हम यहाँ पर स्पीड ब्रेकर अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है। जहाँ पर गाड़ियाँ टेढ़ी होकर गुजरती हैं वैसा स्पीड ब्रेकर है तो पैदल चलने वालों के लिए। तो ये है बादशाही मस्जिद जहाँ पर हम एंटर होने वाले हैं। बंदों को देखकर लग रहा है कि काफ़ी दूर है, अभी भी छोटे छोटे लग रहे हैं ना ये लोग, मतलब है ना। यहाँ पर आए, यहाँ पर ले लें थोड़ी सी आइसक्रीम। और हमने ये नोट भी चलाने थे, काफ़ी आ गए थे हमारे पास खुले। क्या कर रहे हैं यार तू? हाँ कैसे? घोड़ों की पूरी रैली आती होगी ऊपर किंग की, फिर इस तरह सेनापति तैनात होते होंगे। सेनापति राजा प्रधान वहाँ पे सेनापति खड़े होते होंगे। क्या नाम था यार? यहाँ पे फौज इधर रोज ट्रेनिंग करती होगी। अबे भाई यार इधर नहीं करते होगी, वो बाहर करते होगी दूसरे उनकी अलग जगह। तो क्या पता उस तरफ हो जगह। क्या एंशिएंट हिस्ट्री है हमारी भाई, हमें क्या कुछ दिख रहा है। यहाँ पर जमा कराने मिट्टी से कितनी निकल रही है। यूट्यूबर वाले नहीं क्या? यूट्यूबर ज़्यादा नहीं नहीं चल रहा है। हम भी टूर वाले हैं। हम टूर वाले होंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना। चलेंगे 26 मैं संभाल कर रखता हूँ। एंटर होने लगे हैं। यह है कुछ इस तरह। टिकट कौन सा कैमरा है इसकी ज्यादा नहीं अंदर इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना। 5,000 जुर्माना है इधर। कितना? 5,000। 5,000 तो करना ही नहीं, फिर तो नहीं करना, फिर पूरे लाहौर में ही नहीं करना। अगर हमने कैमरा यूज़ किया गोप्रो वगैरह जो भी है तो 5,000 रुपये जुर्माना है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे लाहौर में ही मैं यूज़ ही ना करूँ। हाय हाय चल 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 जल्दी ज़्यारत कर लें हम। ये पुराने पाक माशाल्लाह, ये मतलब हाथ ये रिक्रिएटेड है। ये मैंने हाथ से बुने हुए हैं, खुद बनाया। और ये कपड़ा है पूरा ये भी बुना हुआ हाथ से बने। तो माशाल्लाह ये है जो कि मुझे मतलब फीलिंग ऐसे चलने भाई। प्यारी प्यारी आ रही है।
कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मीनारे पाकिस्तान सही था यहाँ पर एंटर होने के बाद आपको ये मतलब क्या फील? मीनारे पाकिस्तान में ऐसे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इधर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट है आपको। कैसी एंटरटेनमेंट? एंशियंट हिस्ट्री, बादशाह, बॉडी बिल्डर्स। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की थी आपने। काफी ज्यादा स्पेस है ना, अंदर चलते हैं। स्क्रीट वेल आनी है क्या? उसके अंदर अजान दी जाती है। इधर नमाज चल लो। अरे ये मस्जिद है, हम क्यों कह रहे थे कि बार बार, अरे मस्जिद है, सेना क्यों होगी यहाँ पर? इतनी बड़ी नमाज पढ़ने के लिए सेना नमाज पढ़ती होगी ना? हाँ ना, तू कह रहा था इधर परेड होती है, ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। अंदर चलते हैं, काफी मस्जिद बड़ा है। ये कोई चीखे मार रहा इस जगह की। ऊपर देखिए कितना अच्छा नजारा है, जाले हैं, लोगों ने वो भी फेंके हुए जहाज उड़ा उड़ा कर। यहाँ से अभी फ्री हो गए, अभी वापस चलते हैं। जो घूमना था, देखना था, फील करना था, वो अपने कर लिया। हमने अपने दिल से बादशाह को फील किया तो मस्जिद को। कितने हो गए? वीडियो बंद कर, मेरे वीडियो ये वास्ते काम बंद कर देना। चल अभी शूज वगैरह ले लिए, 180। इससे अच्छा आप बैग लेकर आए घर से, उसमें जब इतने हैं नहीं, पूछे यहाँ 300 रुपये दिए सिर्फ शूज जमा करवाने के, जो कि हमने गलती की है। यहाँ पर अगर भी आता है रेट पूछना चाहिए। हाँ, हमने रेट नहीं पूछा, इस वजह से इन्होंने ऐसे किया। तो जो भी आया तो पहले चेक करें, इससे अच्छा 300 का बैग लेकर आ जाए। अभी यहाँ पर आकर कोई भी बादशाह ही मस्जिद में जूते जमा करवाता है ना, तो वो सबसे पहले तो रेट पूछ ले, जमा ना करवाएं वो यहाँ। फिर मैं तो कहूँगा जमा ही ना कराएं, फालतू है, मतलब यहाँ पर जेब में डाल के ले जाए, लेकिन इनको ना हाथ में पकड़ लें या फिर कोई बैग वगैरह आपके पास, वो तो सबके पास होता है जो भी आता है। तो इसमें क्योंकि ये स्कैमर्स हैं बैठे हुए, दूसरी एक और बात की, हाँ बार बार जहाँ भी जा रहे हैं एंट्रेंस पर कहते हैं कैमरा अलाउ नहीं है। वो जो GoPro है, टाइटल लिख दियो, वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, कहता है कि कैमरा अलाउ नहीं। छोटा सा वो मैंने वैसे भी यूज़ नहीं करना, मना कर दिया। ठीक है, वैसे अंदर DSLR वाले बैठे हुए थे जो कि पिक्चर सर हम ले रहे थे। वापस आ रहे हैं।